बालकनी में जरा सा भी पानी नहीं आ रहा। बता ये जूता क्यों निकाल के लाया? अब कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Bye, Chinno. Bye, bye. Bye, bye. Chalo, 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 chalo. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग वेडनेसडे का है यानी कि बुधवार का। तो बस अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है। योगा करने के बाद सीधे ले गई थी एस्ट्रो को वॉक पे और वापस आई हूँ। तब तक चाय वगैरह बना के ही गई थी तो आंचल ने भी नाश्ता कर लिया। निकल रही है कॉलेज के लिए क्योंकि उसका एग्ज़ाम्स चल रहा था। फाइनली एस्ट्रो ने उसको एक हक दिया है और बोला है मन ही मन में कि दीदी बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम ज़रा अच्छे से देना। तो बस वो फाइनली उसका ये वाला एग्ज़ाम हो के फिर हो जाएगा। काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम्स चल रहे थे और बस यहाँ पे अब लग जाऊँगी अपने घर के काम में, साफ़ सफ़ाई में। तो सबसे पहले इसका बिस्तर थोड़ा ठीक करूँ। तो यहाँ मुझे मिल गया है जूता जो ये लाया है काटने के लिए। ये जूता क्यों लेके आया? ये गंदी बात छोड़ेगा नहीं? बता ये जूता क्यों निकाल के लाया? अब कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्यों निकाल के लाया? काटने के लिए ना? सारा दिन खाली बदमाशी कर और कुछ मत कर। तो बस 2-3 मिनट का ही कुछ गैप हुआ होगा। मैं आंचल को बेस्ट ऑफ लक बोल रही थी एंड उसके बाद में मैंने बोला नीचे से शटर खींच देना। उतने में ये शू रैक से शू लेकर आया है काटने के लिए। तो मैंने इसकी डांट भी लगाई है और बिस्तर करके मैंने बोला कि सो जा इधर, और ऊपर गई दाना पानी डाला और फिर मशीन चला के आई, पानी ख़त्म हो गया था। तो देखिए आराम से सो रहा है, बिस्तर कर दिया है। तो इसको तकिए की बड़ी आदत हो गई है तो एक छोटा सा तकिया लेकर आऊँगी, बात भी करके आई हूँ जहाँ गद्दे तकिया बनते हैं ना, बस वहीं पर। तो यहाँ बस ऑलमोस्ट पूरी क्लीनिंग डन होने ही वाली है। सारा सामान जगह पे लगा दिया है और झाड़ू वगैरह कर रही हूँ। झाड़ू नहीं करो ना तो जैसे पूजा करने के टाइम पे तो मैं चप्पल पहनती नहीं हूँ तो वो चप्पल में कुछ ना कुछ जैसे कूड़ा वगैरह रहता है वो चिपकता। और ये देखिए ये कूड़ा नहीं है, ये मेरे पौधों की खाद लटका के रखी थी मैंने यहाँ पे, जो एस्ट्रो ने पॉलीथीन दांत से फाड़ दी। तो मैंने फिर उसको दोबारा से दूसरी पॉलीथीन में पैक किया है। तो इसका यही है कि अभी 1.5-2 साल का देखिए होने को आ गया, बट ये इसकी खुरापाती जो इसका दिमाग है ये इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बीगल को एंजाइटी होती है अगर उनको अकेला छोड़ दिया जाए तो। ये लोग अकेले बिल्कुल नहीं रह सकते हैं और अगर अकेले छोड़ दो तो पूरा घर काट पीट के तहस नहस कर देते हैं। तो हमारे एस्ट्रो ने भी कोई कम बर्बादी नहीं की है घर में, सोफ़ा काटना और कुछ भी काट देना, मतलब जूता चप्पल जो मिले सब काट कूट के एक कर देना। पहले तो खा जाया करता था, अब बस इतना सा इम्प्रूवमेंट है कि काट वाट के छोड़ देता है, खाता नहीं है। पहले तो पूरा ही सब कुछ खा जाता था, इनफैक्ट मुंह पे लगाने वाला मास्क तक खा जाता था। तो बस अभी भी काटने वगैरह में तो इसका बस एक नंबर हमारा एस्ट्रो है कि कुछ भी काट देता है। और इस जो बैग में मैं पेपर वगैरह रखती हूँ रोटी वगैरह में लगाने के लिए, तो यहीं मैं अटका देती हूँ। तो बस अब मेरा टाइम है नहाने का क्योंकि जितनी भी क्लीनिंग और जितने भी काम हैं ऑलमोस्ट पूरे डन हैं। तो एक बार फाइनली काउंटर को क्लीन कर रही हूँ, गैस पोंछ दी है मैंने और उस जगह को क्लीन करके सीधी मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। यहाँ पे पूजा के बर्तन धोने हैं मुझे।
तो बस एक काम खाली मैंने सोचा कि दोबारा से मैं कर लूँ, जब मैं नहाने ही जा रही हूँ तो बस लगे हाथ में बालकनी भी वॉश कर ही लेती हूँ। तो यहाँ प्लेन वाटर से तो वॉश किया ही है, और मतलब एक बार मैंने थोड़ा सर्फ के पानी से एक मग्गा पानी डाला है, एंड फाइनली मैंने यहाँ पे जो लाइज़ोल है जिससे घर क्लीन होता है हमारा पुछता है, तो बस उसी को थोड़ा सा ले लिया है और एक मग्गा पानी इसका डाल के और बस हो गया। तो इसका क्या है कि स्मेल भी नहीं आती है, एक सही भी रहता है, हाइजीन मेंटेन रहता है, साफ़ सफाई रहती है। तो नहाने जाने से पहले आजकल ये डेली का मेरा काम हो गया है बालकनी वॉश करने का। तो एक मग्गा लास्ट में फाइनली मैं डाल देती हूँ फिनाइल का या फिर डेटॉल का, तो इससे थोड़ा ठीक रहता है। तो बस उसके बाद में बाल्टी वगैरह रख दिया है, जाके सर्फ से वॉश करूँगी बाल्टी भी, क्योंकि नहाने से पहले एवरी डे बाल्टी मग जो भी है सब मैं वॉश करती हूँ, बेसिन को पूरा वॉश करती हूँ, एक अलग से ब्रश है। तो कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रख दिए जो मुझे पहनने हैं, और अब जा रही हूँ, सीधी गई हूँ छत पे, क्योंकि छत पे मैंने एक वो सुखा रखा था अपना एक बेडशीट धो के, तो बस उसी को लेकर आई थी, तय बना के रखा, और फाइनली उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो यहाँ नहा के निकल गई हूँ, और आप सभी को सबसे पहले सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बस यहाँ मंदिर में आ गई हूँ और पूरी साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है, तो दीपक प्रज्वलित कर दिया है मैंने, और अब करूँगी मैं आरती। तो यहाँ पूजा संपन्न होने के बाद में मैंने फिर उसके बाद में फिर दोबारा से फिर मैंने धूप बना के रखी है थोड़ी ज़्यादा सी, और बाती तो मैं एक दो दिन के बाद में भी बनाऊँ तो चलेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बनी हुई है। तो जो डेली मैं भोलेनाथ जी को चावल अर्पित करती हूँ, तो बस लगे हाथ इस टाइम पे क्या है ना, टाइम रहता है थोड़ा सा। तो पूजा करने के बाद मेरा पहला काम होता है सनस्क्रीन लगाना, मेडिसिन लेना और अपना ब्रेकफास्ट करना। तो बस उससे पहले ही मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। जैसे ही पूजा संपन्न होती है तो चावल जो खंडित नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, तो अच्छी तरीके से चेक करके 108 चावल इस तरीके से मैं पैकेट बना के गार्डर लगा लेती हूँ। तो यहाँ सारा सब कुछ मैंने रख दिया है, और ये वाली जो पॉलीथीन है इसमें जो चढ़ाए हुए जो फूल रहते हैं, तो हमारी काम वाली जब निकलती हैं तो एक पुकुर यहाँ पे बोलते हैं तालाब, जहाँ पर डाला जाता है पूजा का ही सामान, तो वहीं डलवा देते हैं हम, क्योंकि डेली तो गंगा घाट जाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी तैयारी कर रही हूँ भरमा करेला बनाने की। ये संडे शाम को आपने देखा है व्लॉग में कि मैंने पूरा रेडी करके रखा था। तो ये रहे करेला, फिलहाल इसमें तो नमक नहीं लगाया था, और ये है करेले के बीज। तो बीज आप टोटली स्किप कर सकते हैं, बहुत से लोगों को, जैसे कि कोई आया है गेट खटखटा रहे हैं, बहुत से लोगों को जैसे यूरिक एसिड और यहाँ एड़ी में दर्द होता है, तो उसके लिए फिर बीज स्किप कर देना चाहिए। बाकी मैं डाल देती हूँ जिनको प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैंने पूरा नमक डाल के रखा था, ये देख सकते हैं। पहले मैं देख लूँ कि कौन आया है। कैसी मतलब बात है कि सुबह से पार्सल नहीं आया, तो देखिए आ गया, इज्जत बच गई हमारी, पार्सल आ गया। आंचल का पार्सल आया है, वो तो गई है एग्जाम देने के लिए। तो मैं दिखा रही थी करेले वाला, दिखा देती हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी, ये देख लीजिए, संडे शाम को इसमें मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाल के और इसको मिक्स करके रख दिया था। वैसे का वैसे ही है, कलर भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, वैसा ही है। बस अब इसको मैं 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करूंगी, करेले को वॉश करूंगी, बीज को वॉश करूंगी, और फिर पूरा प्रोसेस बताती हूँ कैसे बनाना है। फिलहाल साथ में बना रही हूँ दाल चावल, अपने लिए रोटी बनाऊंगी। सोच रही हूँ कि आलू की भुजिया बनाऊँ या आलू मटर की सब्जी बनाऊँ, देखती हूँ जैसा मन करेगा वैसे बना लूंगी।
फिलहाल सबसे पहले तो इसको भिगो दे रही हूँ पानी में, तो दो तीन पानी से वॉश कर लूंगी, नमक पूरा चला जाएगा, फिर दोबारा मसाले वगैरह डाल के बना लूंगी। तो यहाँ सबसे पहले जो करेले का छिलका है उसको मैं वॉश कर लूँगी 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से, निचोड़ निचोड़ के, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो पानी में मैंने फ़िलहाल भिगो दिया है और यहाँ चढ़ा दिया है एस्ट्रो का खाना। तो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे आप एस्ट्रो को क्या खाना देते हो, वो आपने बताया नहीं। फ़िलहाल हमारे घर में अभी एस्ट्रो के लिए वेजिटेबल सूप बन रहा है, चावल और उसके संग थोड़ी सी दही दे देते हैं। तो अभी एस्ट्रो का भी सावन चल रहा है। तो यहाँ मैंने मसाला कर लिया है, प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिया है, एक ही प्याज लिया है, 1 टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये मैंने मसाला किया है दाल के लिए, बनाऊंगी मूंग की मसाले की दाल। तो यहाँ पे इस देखिए इस तरीके से निचोड़ के पूरा 2 से 3 पानी से वॉश कर लीजिए। मैंने संडे शाम को इसमें नमक डाल के रख दिया था, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने 2 से 4 दिन से ही नमक डाल के रखा है, इससे और एक अच्छा है कि इसका जो कड़वापन है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताती चलूँगी आपको रेसिपी, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और आप जब भी बनाएं तो पूरी रेसिपी को अच्छी तरीके से इस तरीके से फॉलो कीजिए ताकि आपके करेले बिल्कुल परफेक्ट बने। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ना तो छिलका फेंका है ना ही बीज फेंका है, इनफैक्ट करेले की जो पूंछ होती है पकड़ने की वो भी मैंने काट के निकाली नहीं है। तो मैंने पूरे एंटायर करेले को ही पूरा यूज़ किया है एंड करेले के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं। मैंने फ्राई करके बनाया है, अच्छा लगता है, कभी कभी बनाते हैं खाने में। आप चाहें तो ऑयल को ग्रीस करके हल्का सा आप नॉनस्टिक में भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे वॉश कर दिया था करेले के छिलके को और यहाँ ऑयल डाल दिया था, सरसों का तेल, तो थोड़ा सा मैंने जीरा ही डाला है और 2 तेज़पत्ता डाले हैं और जो मसाला पीसा था बस वो डाल दिया है। तो मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी, अभी फ़िलहाल इसमें हल्का सा पानी है। तो तब तक फिर करेले के लिए मसाला कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली है और अदरक ले लिया है कूट के, 3 से 4 लहसुन लिया है, अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खा रहे तो स्किप कर दीजिएगा, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और 2-4 दाने डाल रही हूँ काली मिर्च के, बस दैट्स इट। और इसमें कुछ भी मसाला नहीं जाएगा, तो उसको बाद में पीसती हूँ। पहले यहाँ पे देखिए ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो मूंग की दाल को मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके ही रखा था, नमक डाल दिया है और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लूँगी, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा भून के उसके बाद मैं इसमें हिसाब से पानी डालूंगी। और मूंग की दाल भी बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसमें बस लगा ली थी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटी मैंने। और आपको पता है इसमें सीटी मैं तो अभी चलिए वॉइस ओवर करते करते बोल गई हूँ कि सीटी लगा ली थी। मेरा ये कुकर दोबारा से ख़राब हो गया है, ये मुझे दाल बनाते वक्त ही अभी पता चला था। तो इसमें सीटियाँ आप नहीं लग रही है और इस कुकर को पूरे पूरे 6 साल हो गए हैं, तो बहुत साथ दिया है बेचारे ने और बहुत बार मैं इसका रबर वगैरह चेंज करा चुकी हूँ। अब एक नया कुकर लूँगी तो मुझे एक अच्छा ब्रांड बताइएगा। तो वहाँ मैंने ढक्कन बंद कर दिया कुकर का और ये जो करेला है इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से बहुत ही हल्के हाथ से इसको प्रेस करके पूरा जो इसमें पानी एक्सेस है वो निकाल देना है। इसी तरीके से जो छिलका है उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए और बीज को भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो बस इस तरीके से ही पूरा ही करेला को मैंने स्क्वीज़ कर लिया था और उसके बाद में अब इसको थोड़े से रेस्ट पे रखेंगे। ये देखिए सारे हो गए। अब मैं चढ़ा रही हूँ आलू की भुजिया। तो ज़रा सा ही मैंने ऑयल डाल दिया है, वो भी सरसों का डाला है, 4 हरी मिर्च डाली है, हल्दी और बस आलू डाल दूँगी। तो आलू को चला के मैंने ढक दिया था और हार्डली 10 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन को ओपन किया है, तो बन के रेडी है आलू की भुजिया। तो बस चेक कर ले रही हूँ, वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि गल गए हैं। तो यहाँ पे बन गई है और अब डाल दूँगी इसमें नमक। तो बस थोड़ा सा चलाने के बाद में उसके बाद में ज़्यादा नहीं 10 से 15 सेकंड के लिए मैंने इसको रखा है गैस पे और उसके बाद फिर गैस को मैंने बंद कर दिया था, ढक के मैंने छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए। और यहाँ पे ये ऐसे ही गली है क्योंकि इसमें सीटी नहीं लगी, ये ख़राब हो गया दोबारा से कुकर। तो कितनी बार बनाओ, जितने का कुकर नहीं है उतना तो इसको पैसा लग गया बनाने में, 6-7 साल हो गए इसको। तो इसमें डाल दिया है मैंने गरम मसाला और थोड़ी सी ज़रा सी रई चला दे रही हूँ
और उसके बाद में बस तेज पत्ता निकाल के और हरा धनिया अपने श्रद्धा अनुसार डालिए, क्योंकि मेरी श्रद्धा बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाली होती है धनिया के मामले में। तो धनिया डाल दिया है और मज़ा आ जाता है ऐसी दाल खा के। तो ये आप बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं। अगर प्याज लहसुन छोड़ रखा है आपने सावन में तो प्याज लहसुन को स्किप कर दीजिएगा। तो अब यहाँ प्रोसेस शुरू होता है करेले का, यानी कि भरवा करेले का। तो बहुत ही कम ऑयल डाला है मैंने सरसों का, हल्दी डाल दी है और सबसे पहले डालूँगी जो छिलका है इसको। तो बिल्कुल ही मीडियम टू लो गैस पर इसको करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी जलता है। कारण ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल डाला नहीं है और ये जलता भी वैसे भी ज़्यादा है। बहुत कम क्वांटिटी में मैंने नमक डाला है इसमें, तो नमक तो फिर जब मसाला के साथ में सब कुछ मिलाएंगे हम तब भी डालना होगा। वहाँ चला के स्लो गैस पर है और यहाँ आ गई थी अच्छी खासी बारिश, तो आ गई बालकनी में। मगर बालकनी में जरा सा भी पानी नहीं आ रहा है। अभी कपड़े नहीं उतारूंगी, अभी हाथ खाली नहीं है काम कर रही हूँ। बहुत प्यारी बारिश हो रही है, आपको वो क्लोजअप दिखाती हूँ इसमें। तो बस इसको 4-5 मिनट ही हुआ है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा सूखा ही चाहिए इसी तरीके से, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इसको चला लिया है, एकदम ड्राई फॉर्म में ही होना चाहिए और जलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा जब आप बनाएंगे। तो इसको निकाल ले रही हूँ और इसी में फिर से थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, सरसों का तेल। और ये पूरा प्रोसेस अगर आप सरसों तेल में करेंगे ना इस रेसिपी का, तो मज़ा आ जाएगा आपको, खा के टेस्ट अच्छा आता है। तो तेल डाल दिया था, गर्म हो गया है, तो हल्दी डाली है और डाल दिया है बीज और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। नमक की क्वांटिटी मैं अभी फ़िलहाल कम ही रख रही हूँ। तो बस इसको चलाने के बाद में और ये थोड़ा जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा बीज, तो करारे करारे मुंह में ये बजेंगे। आप देखिए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, सी बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो ये जब खाएंगे ना भरेमा करेला, तो मुंह में बजते हैं बीज और टेस्ट भी अच्छा लगता है। अगर आप नहीं खाते बीज तो आप स्किप कर दीजिएगा। फिर से मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है और 2-3 तेज़ पत्ता डाला है और जो मसाला किया था बस वो डाल दिया है। तो इसमें पानी एक्स्ट्रा मत डालिएगा, जार में जैसे घोल के डालते हैं वो मत डालिएगा। बस मैंने भी सिर्फ मसाले को ही निकाल के डाल दिया है और चलाते चलाते अभी एकदम जैसे मसाला भी बहुत कम है तो बहुत ही जल्दी ये भुन जाएगा और ऑयल को रिलीज़ कर देगा। तो यहाँ ऑयल रिलीज़ हो गया था, तो जितना भी सामान हमने करेले का फ्राई किया था वो इसमें मिक्स कर देंगे। और ये करेला मैं आपको बता दे रही हूँ, इसको आप गर्मी के टाइम पे फ्रिज में आराम से 20 से 25 दिन और मैं कहती हूँ 1 महीना आप रख के खा सकते हैं फ्रिज में। और ठंड के टाइम पे जब अच्छी ठंड पड़ती है तो फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से किचन में बाहर ही रखिए। और 25 दिन से 1 महीना अगर इसको कुछ हो जाए तो गारंटी मेरी है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ और इस तरीके से सबसे ज़्यादा मैं ही पसंद करती हूँ और ये तो मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो बस ये बन गया था, नमक हल्का सा कम था, इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। फ़िलहाल इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था और तब तक मैंने गूंद लिया था आटा। तो आटा बिल्कुल नॉर्मल ही गूंदा था, गेहूं का आटा। तो ये वाली जो सब्जी है जो बनी है ना, आप इसको ऐसे भी रोटी पराठे के संग खा सकते हैं और ट्रेन के लिए तो बेस्ट है, सफ़र के लिए तो ये वाली सब्जी बेस्ट है। तो बस मैं एक बार, हम 2011 में नेपाल गए थे तो यही वाली सब्जी मैं बना के ले गई थी, नवरात्रि के टाइम पे गई थी, बिना प्याज लहसुन का बना के लेके गई थी। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्हीं के घर हम रुके थे, तो वो पूछ रहे थे कि भाभी आपने इस सब्जी को बनाया कैसे है, क्या डाला है, किस प्रोसेस से बनाया है। कि क्योंकि हमारा 8-9 दिन का ट्रिप था और 6-7 दिन हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि खाते खाते ये सब्जी ख़त्म होने को आ गई मगर ये ख़राब नहीं हुई। एक्चुअली वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था नेपाल का, अक्टूबर के टाइम पे हम नवरात्रि के टाइम पे गए थे, तो इसीलिए बिना प्याज लहसुन का ये बना के ये सब्जी ले गई थी मैं। तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी सब्जी है, इतने दिनों तक ख़राब नहीं हुई और फ्रिज में भी नहीं रखी थी, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं।
तो ये सब्जी मैं बना के स्पेशली रखती भी हूँ और बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है, कड़वी तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो जो करेला प्रेमी हैं आई एम डैम श्योर कि उनको बहुत पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे आटा गूंद लिया था और सबसे पहले इसको भर ले रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत एक्सेस भी मसाला मत भरिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कम भी मत भरिए, जैसे आप एक बाइट लें तो अच्छा खासा मसाला मुँह में आए तो टेस्टी लगता है। तो ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल सी रेसिपी बताई है भरेमा करेला की, और सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट है ये वाली रेसिपी और बहुत टेस्टी लगती है इस मसाले के साथ में। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं और भी जैसे भरवा सब्जियां होती हैं स्पेशली करेला, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपी को। तो बस यहाँ पर भर लिया था फटाफट फटाफट, और भरने के बाद में बारी आ जाती है इसको धागे से बांधने की। तो लाइट कलर का धागा लीजिए, सिकने के बाद में मतलब दिखता भी है अच्छे से और उसको आप खोल भी सकते हैं। खाने के टाइम पे डार्क धागा रहता है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो वाइट वाला धागा बस इसी के लिए है, भरवा वगैरह के लिए। तो कुछ तो मैंने भर लिए थे किचन में खड़े होके, और फिर मैं थक भी गई थी काफ़ी और गर्मी भी अच्छी खासी लग रही थी, तो फिर मैंने हॉल में बैठ के पंखे के नीचे आराम से सारे ही जो करेले हैं उनको मैंने धागे से बांध लिया था। एंड उसके बाद फिर मैंने आराम आराम से सेका है और फिर रोटियां बनाई है। रोटियां प्लेन ही बना ली थी मैंने, मगर इसके साथ में बेसन की रोटी क्या गजब की लगती है। बट थक बहुत गई थी और बेसन की रोटी ज़रा थोड़ी सी लेट बनती है नॉर्मल गेहूं वाली रोटी से। तो बस यहाँ कुछ तो मैंने भर लिए थे, बाकी फिर मैं चली गई थी हॉल में। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी थी लोहे की कढ़ाई और सरसों का तेल ही डाल रही हूँ। पूरा मैंने करेला सरसों के तेल में ही बनाया है, और एक तरफ चढ़ा दिया है तवा। तो बस बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है क्योंकि फ्राई होने के बाद थोड़ा बहुत तेल बच भी जाएगा, तो बचा हुआ तेल को यूज़ मत कीजिए बिल्कुल भी। और एट अ टाइम अगर आप कोई सामान बना रहे हैं और तेल बच गया है फ्राई वाला, तो बस उसको जैसे दूसरे टाइम के लिए आप खाना बना रहे हो तो उसमें यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ फिर दूसरे दिन उसको यूज़ मत कीजिए, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो बस मीडियम गैस पर ही करेले को करना है, और नहीं तो ये करेला जो फ्राई हो रहा है वो भी बहुत जल्दी जल जाता है। तो यहाँ मैंने फटाफट फटाफट रोटियाँ बना ली थी और एक तरफ करेला हो ही रहा था। तो इन सब चीज़ों में जो ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जैसे भरवा करेला हो गया, तो इनमें काफ़ी समय थोड़ा लग ही जाता है, मगर जब बन जाता है तो आप आराम से स्टोर करके इसको 8 से 10 दिन तक अपने सारे खाने में इंक्लूड कीजिए, आराम से खाइए, मज़े लीजिए। तो थोड़ा समय तो लग ही जाता है, तो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बस इसको निकाल दीजिए, और मीडियम गैस पर ही कीजिए, स्लो गैस पर बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्लो गैस पर ज़्यादा देर तक फ्राई होता है तो फिर ये टाइट हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो ये बात भी है। तो इन सब चीज़ों का, ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इनका ख्याल रखिएगा बनाते टाइम। तो बस अलट पलट करके मैंने सेक लिए थे, और बस ये जैसे ही सिक गए थे उसके बाद मैंने कर ली थी बिल्कुल स्पेशल वाले करेले की थाली की प्लेटिंग। तो चलिए आप आराम से प्लेटिंग देखिए, और बहुत ही मज़ेदार बहुत ही बढ़िया खाना बना था, और स्पेशली करेले का तो मैं क्या ही बोलूं, तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, बट एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है कि कल मैं आ रही हूँ लाइव, और आप सभी जुड़िएगा मेरे साथ। कल के लाइव में है बहुत बड़ा सरप्राइज़, तो मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हर हर महादेव।